I'm in it for love, 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 I'm in it for love. हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में आए, हमने खाना ऑर्डर किया, तो यहाँ पे लूला कबाब होता है. सो बेसिकली जो आपका चुल्लू कबाब जिसको कराची में बोलते हैं उस टाइप का होता है. सो हमने लैम में मंगाया एंड हमारे साथ मिर्ज़ा ने मंगाया ग्रेप लीव्स वाला समथिंग जो हम डोलमा जिसको हमने काफ़ी वीडियोस में देखा है पहले, लेकिन हमने कभी ना ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं हुई. तो क्योंकि मिर्ज़ा ने मंगा लिया, ये आप देख सकते हैं, इसको ज़रा उल्टा करो ताकि इसकी ओरिजिनल फॉर्म दिखा सकूँ. ये बेसिकली ये होता है. तुम्हारा क्या इस पर ओपिनियन? रियली वेरी नाइस. मिर्ज़ा डाली जा रहे हैं, लेकिन मैं भी देख के आपको बताता हूँ कि ये कैसा है. यार वैसे बड़ी अच्छी बात, इसको डोलमा बोलते हैं. सो इट्स डिफरेंट, इट्स वेरी नाइस. द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग इज़ कि यार आप इतने डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करते हो ना, कि दुनिया कैसी कैसी चीज़ें खाती हैं. इनका लूला कबाब बहुत मज़े का है. इट हैज़ चेरीज़ इन इट. चेरीज़? यू वांट टू ट्राई? यहाँ दिखाओ. मेरे पास राइजिक नहीं थी तो हमने ना लीमो मंगाया, सेवन अप मंगाई देसी टोट के निचोड़ा और डाइजेशन बिल्कुल ठीक. Chebabs for life. After a 4-hour ride, we are back in Baku. और हमने चेक इन किया पॉमेग्रेनेट होटल में. नो इट्स क्या है? प्रोमिनेंट. सो इट्स प्रोमिनेंट होटल. हमने यहाँ पे चेक इन किया और अब सीन ये है कि हम एक और डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं. जो असल बात है, यू प्लानिंग टू स्टे लिटिल लॉन्गर हेयर, लेकिन हमने अपना प्लान थोड़ा चेंज कर दिया एंड वी आर प्लानिंग टू अनदर डेस्टिनेशन. अब वो डेस्टिनेशन क्या है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जी. यहाँ पे अभी हम ज़रा अपना जो बैगेज वगैरह है वो ठीक कर लें, लिक्विड्स वगैरह हैंड कैरिंग में वो हम सूटकेस में डाल लें. जो हमारा होटल है ये किसी स्ट्रीट के सामने, निज़ामी स्ट्रीट, बट इट्स समवेयर अराउंड ओल्ड सिटी न्यू सिटी, पता नहीं, समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत प्यारी जगह है. पहले ज़रा बैग असेंबल वगैरह करके ना फिर आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ. बहुत फिट है. सेकेंड फ्लोर. मैंने बेचारे से पूछा, मैंने कहा यार डू यू गाइस हैव अ जिम? तो इंग्लिश सरप्राइजिंगली वाज वेरी फ्लुएंट. मैंने कहा वो ये फ्रॉम आई वाज अज़रबैजानी. ही इज लाइक नो आई एम लोकल बट आई एम रशियन. तो पहला एक बंदा था जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी. तो यहाँ पर मैंने से पूछा कि जिम है कि नहीं. सो ही सेड के नहीं भाई जिम नहीं, बुटीक होटल में जिम नहीं होता, इट्स बुटीक होटल. बट द होटल इज वाईबी. वाईबी 210. व्हाट इज दिस? सेक्टर में. Nice. हो गया आज. क्यों? दो मिनट दे दिए. Because you know, like I need my space. So this is. I still don't understand वैसे. Very nice. Very nice. पता है ये जो हम लोग चीप क्रैपी होटल में रहे थे उससे सिर्फ कोई 10 या 15 मन्नात ज्यादा था. मतलब एक मन्नात जो है वो कोई 130 रुपए का. सो कोई ज्यादा फर्क नहीं है. बट 1500 रुपए ज्यादा. बाथरूम देखें. हर होटल की जो जान होती है वो होती है यार. ये देखें यार, ये देखें बाथरूम. नाइस. अरे ये तो कोर्टयार्ड से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. कसम से यार, देखो यहाँ से जाओ अंदर और यहाँ तक. पहली बहुत अच्छा होटल देखा यार. अब ये आपको ना वीडियो में उतना समझ नहीं आ रहा होगा. It feels very nice. Like बाकी होटल्स में ना आप चलते हैं तो जगह खत्म हो जाती है. बट तीनों दिया था मुझे खाने का दिल नहीं चाह रहा था, मगर मैंने बोला मैं उसकी गाड़ी में छोड़ूंगी बेचारा, तो सैड हो जाएगा. सो आई बॉट इट. नाउ यू आर गोना ईट इट. ओके. ये भी सोफा कम बेड है. कितने? ये तो हम लोग 5 लोग रह सकते हैं. कसम से यार, सामान भी आ गया. थैंक यू. जना हमें बाहर जाना है, फार्मेसी ढूंढनी है, वहाँ पे मैंने दवाई लेनी है अपनी, और फिर हमें कुछ खाने जाना है. अनिया कह रही है KFC का. टेंशन सीकर. अनिया को भी दवाई लेनी है और हमने KFC जाना है क्योंकि इनको खाना है. इन्होंने कहा कि मैंने KFC ट्राई करना है यहाँ का. या cuz you know UK में भी नहीं खा सकी मैं. फिर चुप क्या है? इफ यू आर लूजिंग ऑल योर फ्रेंड्स इट्स ओके. पुश ओनली हैज 2 सीट्स एंड बस हैज 50. ऑल योर फेव फ्रेंड्स कैन टेक द बस. हम रास्ते में एक पेट स्टोर पे रुक गए थे, वहां पे हमने जरा कपड़े लिए. कपड़े दिखाने तो पॉपी के अंदर बैठ के आपको दिखाते हैं. और अभी हम आ गए हैं KFC. तो यहाँ के KFC और पाकिस्तानी KFC में डिफरेंस देखते हैं, बिकॉज आई फील पाकिस्तानी KFC इज़ द OG. खैर यहाँ पे देखते हैं कि कैसा है KFC. ऐसे कि मेन्यू तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. ये बर्गर इज रिंगर. ओके. सेफ बर्गर, बॉक्स मास्टर, क्लियर. समझ नहीं आ रही वैसे. वो विंग्स है, डू इट कॉम्बो. इसी वजह से सारी जो चीज़ें वो ट्राई करते हैं ताकि हम बेहतर आप लोगों को भी बता सकें कि कैसी हैं. पहले डिसाइड करना वहाँ जाके, फिर अजीब सा होता है कि सोच रहे होते हैं क्या खाना है. प्रेजेंटेशन जो है यहाँ की KFC की वो है ऐसी. दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके. प्राइस टेस्ट. तुमने प्राइस मिलाया है? दिखाओ. नाइस.
ये नहीं मिलते पाकिस्तान में, बट फ्राइज सेम ही है। चिकन देखने में ऐसी है, थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। काली क्यों लग रही है? हाँ, तो उन्होंने ये भी पूछा स्पाइसी चाहिए नॉन स्पाइसी चाहिए, सो आई सेड स्पाइसी, सो देखते हैं कितना स्पाइसी है, बिकॉज यहाँ का जो बहुत स्पाइसी है वो भी ज़ीरो स्पाइसी है। चिकन टेस्ट टेस्ट, भाइयों पाकिस्तानी केएफसी बेस्ट, नहीं अच्छी, अच्छी है, बट दिस टेस्ट इट डजंट टेस्ट लाइक पाकिस्तानी केएफसी एंड डजंट टेस्ट लाइक केएफसी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, ट्राई करो। नहीं करना, नहीं, बट खैर पाकिस्तानी केएफसी इज बेटर। वैसे मतलब यूके वाले भी यही बोलते हैं पाकिस्तानी केएफसी ज़्यादा बेहतर होता है, और क्रिस्पी भी नहीं है ना उतना। मैंने ना अभी जिंगर लिया और उसकी बाइट ली और उसका एक्सप्रेशन मैंने देखा, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू कैप्चर इट अगेन, लेकिन आपको दिखाता हूँ जरा दोबारा, वो शक्ल बनाना। इट्स नॉट नाइस यार, लाइक जो चिकन है ना उसमें बासी तेल का टेस्ट आ रहा है और इट्स सो ठंडा एंड रूखा। केएफसी क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। चिकन देख के आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा कि मतलब थोड़ा सैड लुकिंग चिकन है यार। वैसे हम ना अपने घर की कदर बिल्कुल नहीं करते भाई, घर आई मीन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान में आई मीन केएफसी, जो केएफसी है ना वो होता है हमारा कंफर्ट फूड। जब मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और हम बाहर से खा रहे हैं तो हम केएफसी खाते हैं, एंड यू कैन नेवर एवर एवर गो रॉन्ग विद केएफसी। लेकिन यार यहाँ का केएफसी बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, जो टेक्सचर था बाहर से वो देख के मैं कहा चलो ठीक है मे बी जो फ्लेवर है वो बेहतर होगा, बट हमारी बेगम को भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी। मेरी क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई, वो जो मुझे कबाब खा के इतने वो फ्राइड चीज़ खाने का दिल चाह रहा था ना वो हो गया। मैंने उससे बोला, मैंने कहा, मैंने उसको अजरबैजानी टू इंग्लिश किया, इंग्लिश टू अजरबैजानी किया और उसके पास लेके गया, मैंने कहा दिस इज़ नॉट फ्रेश कैन यू चेंज इट, तो बोला दबाए क्योंकि फ्रेश नहीं है। अजीब बात है यार, यार कितनी क्यूट क्यूट रेस्टोरेंट्स हैं यार, ये जरा देखें वाइब तो यार नो डाउट बहुत अच्छी है। इटली बोल, इटली कभी गई नहीं हूँ बट लाइक मूवी शूज में जो देखा है उस हिसाब से इट लुक्स वेरी। आज हमने वैसे सोचा था फिरोजा रेस्टोरेंट जाएंगे, लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन केएफसी खा लिया। जिस दिन हम लोग डोलमा गए थे ना उस दिन मैं फिरोजा लेके जा रही थी इसको, और इसको सामने कोई मिल गया और उसने बोला कि नहीं फिरोजा नहीं जाओ डोलमा जाओ। यार वो पाकिस्तानी मुझे मिल गया था, हाँ अच्छा कोई पाकिस्तानी मुझे मिल गया सामने रेस्टोरेंट में काम करता था, तो बड़ा फोर्स कर रहा है कि मैं आपको ले जाता हूँ, मैं आपको ले जाता हूँ। अब एज अ टूरिस्ट यू जस्ट नीड टू बी श्योर कि आपको ज़ाहिर है कोई ले जाए कहीं और, तो आपसे बोले अच्छा मुझे इतने पैसे दो इतने पैसे दो, तो हम लोग नहीं भाई हम चले जाएंगे, तो उसने डोलमा रिकमेंड कर दिया, हम डोलमा चले गए थे। हम अभी कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, हम स्ट्रोलिंग डाउन द निज़ामी स्ट्रीट कर रहे हैं अभी और कुछ नहीं। जब इससे बड़ा दिल करे वो जेट जो है ना जो स्कूटी थी वो लेने का, लेकिन यार वो भी बड़ा बैड सीन है, वो हमारा जो कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक्सेप्ट कर रहा है वो, उस दिन इसलिए नहीं किया था क्योंकि रेवोल्यूट ने फ्रीज कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है। हाँ तो मेरा भी कार्ड नहीं हो रहा था ना, मेरे कार्ड में क्या मसला है, सूटकेस में ना। तो इसकी कॉलर भी है यार। वैसे यहाँ के जो जानवर है ना वो बहुत प्यारे हैं, छोटे 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 छोटे, तो मैंने बड़े कुत्ते ना बहुत कम देखे हैं यहाँ पे, जैसे जर्मन शेपर्ड या हस्की वगैरह वो थोड़े कम है, लेकिन इस तरह के जो हैं ये छोटे छोटे चुहा पोमरेनियन पॉपी टाइप के वो बहुत ज़्यादा है। पॉपी इज़ नॉट अ चुहावा, वो ही पॉपी इज़ अ पोमरेनियन सेम थिंग, एंड पॉपी इज़ नॉट छोटा, पॉपी इज़ बिग। एक्सक्यूज़ मी, इस 4 किलो का कुत्ता, मुंबल 4 किलो, इस 6 किलो, मुंबल 4 किलो की है। सो गाइस हमारी जो बिल्ली है ना वो है 4 किलो की और पॉपी है 6 किलो का, सो व्हाट्स द बिग डिफरेंस। चलो जरा बाहर स्टोर चलें। Wow, no wonder. You wanna see what Bahar store looks like? Makeup store. No wonder why. Nia, 2 मिनट में Bahar store से बाहर आ गई। क्यों जी? क्यों? क्या मुझे लग रहा था international होगा, मगर वो local था। क्या तुम्हें local चीजें नहीं पसंद? नहीं भाई, like I was looking for something and when I went inside, I knew that they couldn't have it because वो local था। Thank you. One hot chocolate. क्या? यार कैफे के अंदर ना बिल्ली घुस गई है, ये देखिए। कितनी प्यारी, उसने निकाला भी नहीं इसको यार। अच्छा सबसे सबसे क्यूट बात ये है कि कब से बिल्ली घुस गई, हम बाहर से देख रहे हैं कि बिल्ली घुस गई, हमें पता नहीं थी सोफे पे बैठी हुई है और लोग निकाल भी नहीं रहे इसको। काटी कर रही है, कितनी प्यारी है यार, पुर 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 उसको ठेठ सर्दी लग रही होगी। अब हम गुजर रहे हैं यहाँ पे जो अजरबैजान बाकू की है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट,
तो यहाँ से मुझे शाहिद अनवर की आवाज़ें आ रही हैं, गरीबो गरीबो के यहाँ से तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम यहाँ से भागो, लेकिन हमारा होटल बिल्कुल साथ है। तो यहाँ पे बुल्गारी और क्या Trussardi and Chanel and stuff। तो बार 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 शाहिद अनवर भाई हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे गरीबो गरीबो, और हमारा होटल भी यहीं पे है। पॉमीग्रेनेट किधर गया? हमारा पॉमीग्रेनेट आ गया, प्रोमिनेट जो है। और होटल का एक बहुत ही प्यारा रूफ टॉप है जो हमें बताया गया, तो वहाँ पे जाना है। तो वहाँ तो जो लिफ्ट है वो चल नहीं रही क्योंकि लाइट गई हुई है, यहाँ से ऊपर जाते वेरी रॉयल स्टेयर्स। तो यहाँ से हम जाएंगे एंड आई रियली होप के इट लिव्स अप टू द हाइप एंड इट्स जस्ट लाइक व्हाट वी थॉट इट वुड बी। फॉरगॉट टू वेयर माय जैकेट यार, लेकिन व्यू दिखाता हूँ आपको यार, क्या व्यू है, पूरे शहर का आपको व्यू नज़र आ रहा है। ये रिग्रेट हो रहा है कि हम पहले यहाँ पे क्यों नहीं रुके, हमें पहले दिन से यहाँ पे रुकना चाहिए था। ये देखिए, सो यहाँ से आपको सारा जो व्यू है शहर का वो नज़र आता है एंड लुक्स रियली 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 ब्यूटीफुल। यार वेटर इतना स्वीट है कि उसने आके देखा कि मैंने जैकेट नहीं पहनी और मैं थोड़ा थर थरा रहा हूँ सर्दी में, तो उसने बोला यू वांट ब्लैंकेट, ओके नो प्रॉब्लम, तो वो मेरे लिए ब्लैंकेट ला रहा है। सो स्वीट यार, ब्लैंकेट आ गया, थैंक यू सो मच। तो जैकेट तो नीचे भूल गए तो ब्लैंकेट से काम चलाते हैं हम। नहीं यार ये तो ठीक ठाक गर्म करेगा। यहाँ से सदर सदर की वाइब आ रही है थोड़ी सी, देखो सदर की बिल्डिंगों को साफ कर दो ना तो ऐसी लगती हैं वो अंदर से। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन से सदर की बात कर रही है, कंपेयर करके जरा बताइएगा। और बाय द वे कराची सदर, सो ये जरा देखें ये कौन सा, बंदा तुम्हें क्या बोले, सच सच बताइएगा गाइस कमेंट्स में कि अगर सदर को साफ सुथरा कर दो, थोड़ी बिल्डिंगों पे लाइटें लगा दो, तो ऐसी ऐसी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग नहीं है सदर की, फैंसी फैंसी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं यहाँ से जो हमने एक्सप्लोर नहीं की, तो हमें एक ट्रिप मारना पड़ेगा ये एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा अभी हम सोच रहे थे ना जो ट्रिप है उसको कट शॉर्ट करते हैं, लेकिन आज रियलाइज हो रहा है कि यार रह गया काफी कुछ, क्योंकि इस होटल से वो चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन वैसे ना आपको पता ही नहीं होता कि ज़ाहिर आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। अब हम पूछ नहीं सकते ये बिल्डिंग कहाँ है, ये बिल्डिंग कहाँ है, अब हमें छत से नज़र आ रहा है, तो हम इससे पूछ के जाएंगे और फिर अगली दफ़ा जब आएंगे ना तो फिर जाएंगे वहाँ पे। यार ये जो सीढ़ियाँ होती हैं ना आते हुए बड़ी अच्छी ईजी लगती हैं, नीचे जाते हुए ना ज़रा ऐसे टोली टोली लगती हैं। चलिए जी सुबह हमारी फ़्लाइट है तो हमें थोड़ी देर सोना है, थोड़ा रिलैक्स करना है और फिर सुबह नाश्ते के लिए उठना है, पैक करना है और लिक्विड्स वगैरह साइड पे करना है। तो आपसे मुलाकात होती है कल एक नए व्लॉग में, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तो अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।